जारा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अभी साफ सफाई कर रहे थे तो बस उसी में। भाभी आपको साफ सफाई करने की क्या जरूरत थी? आउट हाउस में कितने सारे सर्वेंट्स हैं, आप किसी से भी कह देते। तुम्हें पता है अलीना, तुम सचमुच ना बहुत प्यारी हो, लेकिन हम क्या करें, नौकर रखने की हमारी औकात ही नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि आप लोगों को ये बता सके हम अपने नए घर में रहने से पहले कुरान खानी रखना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को दावत देने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आए हमारे साथ कुरान पढ़े और हमें दुआ दे कि हमें उस घर में बरकत मिले और हम अपने मकसद में कामयाब हों। बहुत शातिर हो सारा, अब ये एक नया शगुफा छोड़ दिया तुमने। जीनत भाभी, भाभी इतना सोचिए मत, बहुत दूर नहीं जाना है, बस यही घर के पीछे ही आना है। नहीं पापा नहीं, हम क्या, हमारी तो परछाई भी वहां नहीं जाएगी। हमारी भी एक जरूरी मीटिंग है, मुश्किल है हमारी, और हम जरा हमारा सवाल बनता ही नहीं है, हम नहीं आएंगे। देखिए कुरान हम अकेले भी पढ़ सकते हैं और हम अकेले ही दुआ भी मांग सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम सरपरस्त मांगते हैं, हम आप लोगों को अपना मानते हैं और इस घर को भी अपना मानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप लोग आए। आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारे नजरिए के टकराव को आपस का टकराव मत बनाइए। हमारे बीच में जो इख्तलाफी है उसको हमारे ही बीच रहने दीजिए, बाहर वालों को शामिल मत करिए, क्योंकि आज अगर हमारे बुलाने पर आप लोग नहीं आए तो हो सकता है कल को जब आप लोग कोई फंक्शन रखे उसमें पूरा शहर आए और शायद हम ना। और अगर हम नहीं आए तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे और हमारे ससुराल वालों के बीच कुछ सही नहीं है, पर हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते ऐसा हो। इसमें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज्जत देने से इज्जत मिलती है। ठीक है, हम सब कुरान खानी में आएंगे। अम्मी? नहीं, आप जारा की बातों में हाँ क्यों मिला रहे? वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमें डरा रही, हमें धमका रही है, हम नहीं आएंगे। वाह आलिम साहब वाह, हम कुरान पढ़ने की बात कर रहे हैं ताकि इस घर में बरकत हो, इसे ब्लैकमेल की बात कहां से आ गई? बस हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। कबीर हम तो वैसे भी नहीं जाने वाले, तुम इस बात को मानो या ना मानो, तुम्हारे लिए अफवाह हो या ना हो, पर वहां नाक जरूर है और हमें हमारी जान का खतरा है, इसलिए हम वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हमें कुरान पढ़ना है ना तो हम यहाँ इसी घर में पढ़ेंगे, पर वहां नहीं जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं जारा कि कितने दिन तुम ये गरीबी का नाटक कर सकती हो और गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। जारा के आउटहाउस में रहने की बात तुमने जिद में आकर हाँ कह दी है, क्या कर रहे हो कबीर? अफवाह हो या ना हो पर वहां नाक जरूर है। और वो नाक वाली बात सच निकली तो क्या करोगे तुम? और उस नाक ने उसे डस लिया तो क्या करोगे कभी तुम?
अस्सलाम वालेकुम सज्जू भाई। वालेकुम अस्सलाम। डिप्टी साहब, गार्डन में कोई सांप वांप निकला है क्या जो हमें याद किया? आपको याद है पिछले साल हमने आपको बुलाया था वो नाग पकड़ने के लिए और वो आपको मिला नहीं था? वही नाग को ढूंढना है वापस से। लेकिन डिप्टी साहब, आज तक कोई ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ जो सज्जू से बच के निकल जाए। आपके यहाँ नाग नहीं, अफवाह है। आप उज्जत क्यों कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं आप फौरन आ जाइए, एक बार ढूंढ लीजिए क्या चाहता है आपका। देखिए, हम तो अभी सीतापुर में हैं, हम अपने चेले मन्नान को भेज देते हैं। आप किसी को भी भेजिए मगर जल्दी प्लीज। अल्लाह हाफिज़। अरे बेगम, ऐसा कहर मत ढाइए, छोड़िए हम कर लेंगे। दुल्हन बेगम रहने दो, हम कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ किसी वजह से हैं, इसलिए अपना काम खुद करना हमारी मजबूरी है। एक बात और, आप लोग ना हमारे काम में अपना हाथ बटाने की जिद मत करिएगा। देखो, इस दुनिया में हर वो शख्स जिसने समाज के लिए, कौम के लिए, माशरे के लिए कुछ किया है, उसे बदला है, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक अपनी बीवी से दूर रहा है। अब हमें ही देख लो, जारा का जिद करके तुमसे दूर रहना तुम्हें एक मौका दे रहा है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपना सारा वक्त 24 घंटे कौम की खिदमत में लगा दो। हाँ बेटा, आइए बेगम। चले आउट हाउस? नहीं, कबीर कहीं जाए। अल्लाह का कलाम पढ़ना है, तुम भी चलो कबीर। कुरान शरीफ जो है बेगम, वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जो भी पढ़ना होगा कबीर यहाँ इस घर में पढ़ेगा। क्यों कबीर? जी अबू, बिल्कुल। सारा, सारा क्या हुआ? सारा संभालो, इधर सहरो, जल्दी चूल्हे में आग लगाओ, धुआं कम हो जाएगा, खांसी भी कम हो जाएगी। सारा, सारा संभालो बेटा अपने आपको। अलीना मदद करो जाके उनकी, आओ यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो, हम पानी लेकर आते हैं। कबीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुखसार ठीक हो गई। क्या
रुखसार को अमान के पास छोड़कर आए थे, वो दोनों साथ में कार्टून देख रहे थे और तुम कह रहे हो कि रुखसार ठीक हो गई, क्या हुआ बताओ तो सही। रुखसार ठीक हो गई यानी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, बताओ पूरी तरीके से ठीक हो गई, कैसे ठीक हुई कबीर, वो बताओ मुझसे कुछ पूछ रहा है, कैसे ठीक हुई रुखसार? रुखसार ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा, वो वैसे की वैसे ही है। तो फिर बेटा तुमने रुखसार के ठीक होने की बात क्यों की? अम्मी हमने मेडिकल पेपर में पढ़ा था, अगर एक इंसान को खांसी आ रही है और रुक रही नहीं है तो उसे कोई एक ऐसी न्यूज दे दे जिसकी वजह से वो शॉक हो जाए या हैरान रह जाए, एक पल के लिए भी। हम सिर्फ कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और जारा के लिए रुखसार का ठीक होना, इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज क्या हो सकती है, है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, उन्होंने तुम्हें ऐन मौके पर भेज दिया और जारा को खांसी के दौरे से बचा लिया, हम तो डर ही गए थे बेटा। कबीर आज तुम हमारे बुलाने पर नहीं आए, हमारे धमकाने पर आए, यानी तुम्हें भले ही हमसे नाराजगी हो लेकिन तुम्हें अपनी और अपने घर की इज्जत की परवाह है, साथ ही तुम्हें हमारी बीमारी की परवाह है, यानी हम जो भी जिद कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एक दिन तुम हमारी जिद के आगे झुकोगे। रुकिए रुकिए, कहाँ चले आ रहे हैं? जी हमको सज्जू उस्ताद ने भेजा है। अरे भेजा किसी ने भी, तुम्हें यहाँ पर बुलाया किसने? बुलाया वो कबीर साहब ने बुलाया। कबीर? क्या है कि पिछली बार अपना सज्जू उस्ताद यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ ढूंढा तो सांप वाप तो मिला नहीं, लेकिन कबीर साहब कहने लगे कि एक बार उनकी दिल की तसल्ली के लिए यहाँ पे आ जाए तो अच्छा होगा। एक सेकंड, इधर आ, क्या जरूरत थी सबको बताने की कि किसने भेजा तुम्हें? हमने सज्जू उस्ताद को कहा था कि किसी को मत बताना किसने भेजा, क्यों मुंह खोल रहे तुम अपना? आज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो हमें हमारे सुनहरे कल को देखने न देगा, यानी हमारे ख्वाब के बीच में जारा और कबीर की मोहब्बत खड़ी है, हमें हर हाल में कबीर को जारा से दूर रखना होगा, उसके खिलाफ रखना होगा, नहीं तो जारा कबीर को हमसे छीन कर अपने साथ ले जाएगी। जाइए। हमें यकीन था कि तुम हमारे बुलाने पर जरूर आओगे, तुम हमारे घर आ गए तो बस घर में बरकत आ गई। चलो कुरान खानी शुरू करते हैं। तुम्हें तो किसी मीटिंग में जाना था ना कभी, और फिर कुरान तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अबू हमने कबीर को कुरान पढ़ने के लिए नहीं बुलाया बल्कि दुआ करने के लिए बुलाया। दुआ मांगने तुम्हारे लिए जरा। कबीर, अब्बू का सपना था, बचपन से सपना था, इसलिए उन्होंने तुम्हें मदरसे में डाला, तुम्हें आलिम दीन बनाया, और जब हमारे घर में आलिम दीन मौजूद है तो दुआ भी वही करेगा ना। जारा अपने लिए दुआ तुम खुद मांग सकती हो, जरूरी नहीं है कि कबीर तुम्हारे लिए दुआ मांगे।
नहीं अबू, हमारा अखलाकी फर्ज है। अगर कोई हमें दुआ करने के लिए अर्ज कर रहा है तो आलिम के हैसियत से बिना वजह हम उसे इनकार नहीं कर सकते। अबू चाहे कोई भी हो, रुको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करो। यानी कि ए अल्लाह, हमें हर शैतान से हिफाजत फरमा, और हम आपके नाम से शुरू करते हैं। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस कागज पे दो दुआ लिखी है, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, और तेज पढ़ना ताकि सब आमीन कह सके। एला, जारा को घर वाले के गुस्से से और घर वालों की दूरी को सहने की ताकत फरमा। आमीन। एक और है। एला, जारा के शौहर को जारा के शौहर को हलाल रिस्क दे, उसे इतने पैसे कमाने की तौफीक दे कि हमारे पैसे खत्म होने पर हम भीख मांगने पर मजबूर ना हो। आमीन। कहाँ जा रहे हो कभी? खाना तो खाकर जाओ। जारा, अब आलिम के हैसियत से हम दुआ पढ़ने पर मजबूर हैं, लेकिन खाना खाने के लिए नहीं, हम मजबूर नहीं है सर, और इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। ना मारेगे दीवानगे मेरी, ना मारेगे आवारगे मेरी, के मारेगे ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। हो साहब, हमने यहाँ सब जगह बहुत अच्छे से ढूंढ लिया, पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई सांप नहीं मिला। सज्जू उस्ताद एकदम सही कहते हैं, यहाँ कोई नाग वाग नहीं है, ये सब लोगों ने सिर्फ अफवाहें फैला रखी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये लीजिए, पैसे हम देंगे। ये लीजिए। एक सेकंड, आपको किसने बुलाया? आपने बुलाया। हाँ, अगर हमने सपेरे को बुलाया तो तुम पैसे क्यों दे रही हो? वो सांप पकड़ने तो हमारे घर आए थे ना, इसलिए पैसे भी हम ही देंगे। बुलाया हमने, ये लीजिए। हम देंगे पैसे क्योंकि वो हमारे घर आए सांप पकड़ने। देने तो कबीर, पैसे जारा को देने तो। धन्यवाद। क्या जरूरत है सपेरे को बुलाने की? हाँ, खामा हमारे 500 रुपए चले गए, तुम्हें पता है हमारे पास गैस चूल्हे के पैसे नहीं है, हम लकड़ियां जला जला के खाना बना रहे हैं, बेवजह हमारे 500 रुपए खर्च करवा दिए। हम पर इल्जाम लगा रही हो तुम? तो किस पर लगा? नहीं, वो क्या है ना जरा, हमें लगा था कि अगर एक नाग किसी इंसान को काट लेगा तो वो इंसान मर जाएगा। अभी नाग नहीं है तो कम से कम हमें चैन की नींद तो आएगी। मतलब कि तुम्हें चैन की नींद आई?
मोहब्बत नहीं, पैसे कमा कर दिखाओ। माफ कीजिएगा सारा जी, गलती हो गई हमसे। अगली बार नाक काटे, कुछ भी काटे, हमें परवाह नहीं होगी। शोहर को हलाल रिस्क थे, उसे इतने पैसे कमाने की तौफीक थी कि हमारे पैसे खत्म होने पर हम भीख मांगने पर मजबूर ना हों। हम भी कसम खाते हैं, जब तक तुम खुद काम करके कमाते नहीं हो कि इस घर की मदद तो दूर, अपने अम्मा अब्बा के घर का एक ग्लास पानी भी नहीं पियेंगे। क्यों हमारी जिंदगी औरों की तरह नहीं है? औरों की जिंदगी में पहले पहले मोहब्बत होती है, फिर शादी होती है, फिर उनकी जिंदगी में और खुशियां होती है, और हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हमारी शादी भी नफरत से हुई मालिक, और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दिल में दर्द मिला है और कुछ नहीं। अगर हमारी जिंदगी में ज़ारा से नफरत दिखी थी तो हमारे दिल में मोहब्बत क्यों है? क्यों चाहते हम उसको इतना? उसने सिर्फ हमारी बेइज्जती की, बेइज्जती पे बेइज्जती, और हम सह जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। अबू हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको देखा नहीं, चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक है, वैसे चोटिल तुम लग रहे हो, और होता है कबीर, ये होता है जब एक शोहर और एक बीवी का निकाह होता है तो अल्लाह दोनों के दिलों में एक गैबी मोहब्बत यानी कि अनदेखी मोहब्बत पैदा कर देता है, और इसलिए तुम्हारे दिल में जारा के लिए मोहब्बत है, वो लाजमी है। मगर एक और बात है बेटा, अल्लाह ने दिल से ऊपर नजर दी है, नजर से ऊपर दिमाग, और इस दिमाग का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब तुम बताओ, हमें सपेरे को देने के लिए 500 रुपए थे जारा के पास, गैस का चूल्हा खरीदने के लिए पैसे थे, ऐसा क्यों बेटा? तुम सोचो, बताओ हमें कैसा क्यों? हम तुम्हें बताते हैं, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे से धुएं में खाना बनाने से लोगों की हमदर्दी मिलती है जो उसे मिली, इसलिए होशियार रहना पड़ेगा तुम्हें, अपने दिल को अपने दिमाग के काबू में रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक बीवी का अच्छा शोहर बनना नहीं है, इस कौम का एक बेहतरीन रहनुमा बनना है, जो तुम बन रहे हो। हेलो जी नाज़िम भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं बोलिए, ठीक है, कल शरिया बोर्ड में मीटिंग है, किस लिए? ज़कात को लेकर। जी ठीक है, नहीं एक काम कीजिए, आप काजी से, वो वहां नहीं होंगे तो हाँ हम करेंगे सदारत, बेशक हम करेंगे। जी जी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। नाज़िम भाई कह रहे थे कल मीटिंग है ज़कात को लेकर, और क्योंकि काजी साहब वहाँ नहीं होंगे तो पूछा था कि हम सदारत करें। तुम शरिया बोर्ड की सदारत करोगे? जी अबू। भाई मुबारक हो सदर साहब, मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल अबू, हम बहुत खुश हैं। सब खैरियत वकील साहब, आपसे एक जरूरी काम है, हमारे समधी जो है काजी इरफान सिद्दीकी, उनके सीतापुर के सिहाली गांव के पुश्तैनी घर का जो मुकदमा चल रहा है, हम चाहते हैं कि उस मुकदमे की अगली तारीख हमारे कहने पर आ जाए। अब कौन सोच सकता है कि जिस दिन शरिया बोर्ड की मीटिंग की तारीख तय होगी उसी दिन हमारे काजी साहब को अपने मुकदमे के सिलसिले में कहीं और जाना होगा, और शरिया बोर्ड का जो मैदान है हमारे 500 करोड़ का खेल खेलने के लिए साफ हो जाएगा। कल शरिया बोर्ड की मीटिंग में आना है?
कभी साहब सदारत करेंगे? काजी साहब कहीं गए हैं? जारा साहिबा, आपका आना जरूरी है और शहबाज साहब कल के स्पेशल इनवाइटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आएंगे जी। अल्लाह हाफिज। पिछले 25 सालों से हम अपनी निगाहें जमा कर बैठे हैं शरिया बोर्ड पर। न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरिया बोर्ड की, तालीम के न जाने कितने इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब पे हमारी नजर है। इसका ये मतलब है कि अब्बू हमारे अब्बा की ना मौजूदगी का फायदा उठाने वाले।